आप देख रहे हैं न्यूज लाइन, खबरों की तहतर। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पांडे शालू। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तहतक। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं प्रेम ज्वेलर्स, आसान किस्तों में ज्वेलरी उपलब्ध। श्री सागर स्वीट्स, पहाड़पुर चौराहा, कुर्सी रोड, लखनऊ। स्मॉल पार्टी वाले, हेल्दी फूड ऑन योर डोर। लखनऊ ज्वेलर्स, छुयापुरवा चौराहा, जानकीपुरम, लखनऊ। महिला दिवस पर आज हम आपको एक ऐसी महिला शिक्षक से मिलवाने जा रहे हैं जिसकी अनोखी पहल से बलिया जिले में उनकी हर कोई प्रशंसा करते नजर आ रहा है। आज हम आपको एक ऐसे प्राथमिक विद्यालय से रूबरू कराएंगे जिसे देख और सुन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए झट से स्कूल पहुँच जाएंगे। हम बात कर रहे हैं बलिया शहर के अमृतपाली स्थित शिक्षा क्षेत्र दुबहर अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय अमृतपाली की, जिसे देख कर आपको यही लगेगा कि ये कोई महंगा प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक सरकारी स्कूल है, वही सरकारी स्कूल जिसमें लोग अपने बच्चों को एडमिशन तो दूर स्कूल की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते और महंगी शिक्षा की तरफ भागते हैं। वहीं विद्यालय की प्रधानाध्यापिका प्रतिमा उपाध्याय ने अपने विद्यालय के बच्चों को इस योग्य बनाया है कि जिसकी जितनी सराहना की जाए कम है। कोरोना काल में जहाँ एक तरफ महीनों से विद्यालय बंद पड़े रहे, वहीं इस विद्यालय की प्रधानाध्यापिका बच्चों के भविष्य के लिए उतना ही चिंतित थीं जितना अभिभावक अपने बच्चों के लिए। जिसका मंथन करने के बाद प्राथमिक विद्यालय अमृतपाली के प्रधानाध्यापिका ने बच्चों के अभिभावकों का टेस्ट कराने का फैसला लिया, जिसका परिणाम विद्यालय के इस पहल पर खरा उतरा। काफी लंबे समय के बाद विद्यालय खुला तो हर किसी के चेहरे खिल उठे। कोविड नियमों के साथ प्रधानाध्यापिका और विद्यालय की सभी शिक्षिकाओं ने बच्चों का फूलों और तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत किया। हम आपको बता दें कि इस विद्यालय में लगभग 170 बच्चों का एडमिशन हुआ है। ये विद्यालय भले ही देखने में छोटा है, लेकिन किसी प्राइवेट विद्यालय की तर्ज पर बनाया और संवारा गया है, जिसमें प्रधानाध्यापिका की अनोखी पहल है। उनकी सोच निश्चित ही अन्य सरकारी विद्यालयों के भविष्य को एक नई दिशा प्रदान करेगी। प्रधानाध्यापिका ने बताया कि सब कुछ सरकार की मंशा के अनुरूप है, जिसे पूरा करना हमारा कर्तव्य है। बलिया से हमारे संवाददाता अखिलेश कुमार की खास रिपोर्ट। मैं प्रतिमा उपाध्याय, प्रधानाध्यापिका प्राथमिक विद्यालय अमृतपाली शिक्षा क्षेत्र दुबहर जनपद बलिया से हूं। किस तरह का कार्यक्रम किया गया आज? आज जो है अभिभावकों की परीक्षा कराई गई। एक्चुअली कोविड 19 के विषम परिस्थितियों की वजह से जो एक साल विद्यालय बंद रहे, तो जुलाई से जब विद्यालय खुले तो शासन के निर्देशानुसार पेरेंट्स टीचर मीटिंग करनी थी, तो उसको मैंने 100% फॉलो किया। शुरू में तो थोड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन फिर घर घर जाके संपर्क करके अभिभावकों से हर सोमवार को हमारे विद्यालय में पेरेंट्स टीचर मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई और गार्जियंस ने भी उसमें प्रतिभाग किया। इसके अलावा हर सैटरडे को या फ्राइडे को हम लोग जाके गार्जियंस से मिला भी करते थे। शासन के द्वारा आई हुई हर जो है योजनाओं को उनसे अवगत कराना चाहिए, पाठशाला हो, मिशन प्रेरणा हो, सबसे हमने अवगत कराया ताकि बच्चों का जो पठन पाठन है, शिक्षा है, वो सुचारू रूप से चलती रहे। इसके तहत हमें जो सोमवार को जो मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती थी 12 बजे से 1 बजे के बीच में, उसमें गार्जियंस को हर चीज़ बताई जाती थी, जो शासन की जो योजनाएं थी उनसे उनको रूबरू कराया जाता था। और जब विद्यालय खुलने का आदेश हुआ 1 मार्च से, तो मैंने सोचा कि गार्जियंस कितने उसमें दक्ष हुए हैं, क्योंकि गार्जियन का बच्चे जो है हमारे साथ 6 घंटे ही रहते हैं, बाकी समय गार्जियंस के साथ ही अपने माता पिता के साथ ही बिताते हैं, तो इसमें गार्जियन की साझेदारी होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने गार्जियंस का अभिभावकों का जो है परीक्षा कराया, उसमें उनसे जो है जो भी चीज़ें एक साल में हमने उनसे जो भी बताया था मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसमें टिक लगाना था, तो गार्जियंस ने उसमें प्रतिभाग भी किया। काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा अनुभव रहा, हमें भी बहुत सेटिस्फेक्शन मिला कि हमने जो किया उसका जो है कुछ रिस्पॉन्स हमारे सामने आया। किस तरह का रिस्पॉन्स मिला अभी आपको, जिस तरह से अभिभावकों का आपने जब टेस्ट कराई तो? काफ़ी अच्छा रहा, जैसे जो गार्जियंस हैं वो समझ रहे हैं कि हाँ ई पाठशाला क्या है, मिशन प्रेरणा क्या है, व्हाट्सएप क्लासेस जो बच्चे जुड़े हैं तो उनको कैसे क्या करना, कैसे करना है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है। वर्कशीट के माध्यम से हम लोगों ने बच्चों को वर्कशीट दिया, तो आखिर गार्जियन शिक्षित होंगे, हमने अगर वर्कशीट दे दिया तो अगर गार्जियन बच्चों पे ध्यान देंगे तभी तो बच्चा वर्कशीट कम्प्लीट करेगा, तो ये गार्जियन का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। या शासन की या विद्यालय की शासन की तरफ से जो भी योजनाएं आ रही हैं उनसे अवगत होना बहुत ज़रूरी है,
तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और सभी गार्जियन का लगभग 70 से 75% से अब भी रिस्पांस हमें मिला और सही आंसर थे, काफ़ी अच्छा रहा है। क्या लगता है उसमें पास हुए थे आपके मतलब? लगभग मैं तो बता रही हूँ, लगभग सारे गार्जियन का 70% 75% से ऊपर रिस्पांस था, कोई ऐसा गार्जियन नहीं था जो कि ऐसा कुछ ना कर पाया हो, सारे रिस्पांस अच्छे थे सब। क्या इस तरह की प्रेरणा देने से क्या लोगों को किस तरह का संदेश जाएगा, अगर जिस तरह से आपने विद्यालय में गार्जियन का टेस्ट कराई और बच्चों के प्रति इस तरह की सहानुभूति जो दिखा रही है? देखिए मेरा मानना ये है कि ठीक है अगर हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन ताली तो दोनों हाथ से बजती है, अगर 100% रिजल्ट चाहिए तो सिर्फ विद्यालय के शिक्षकों के करने से कुछ नहीं हो जाएगा, ताली दोनों हाथ से बजती है, इसमें अभिभावकों को भी सहयोग करना पड़ेगा, रेशियो कम या अधिक हो सकता है लेकिन सहयोग उनको करना पड़ेगा, तो इसलिए गार्जियन को ट्रेंड करना, उनको शिक्षित बनाना ये सबसे जरूरी है, इसलिए मैंने ये किया, इसलिए मैंने पहल किया और मुझे इसका रिस्पांस भी मिला, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, भले ये जो ग्रामीण है और सारी चीज़ें लोग जो भी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने उसमें कोशिश किया, मैंने सोचा कि कोशिश करने में क्या है, मैंने कोशिश किया और जो भी है आपके सामने है। आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं प्राइवेट विद्यालयों के तर्ज पर आपका ये जो पहल था ये था? देखिए प्राइवेट विद्यालय की तर्ज और इस पे मैं कुछ नहीं कहूंगी, बस इतना कहूंगी कि मुझे जो कार्य मिला है मैं उसको 100% देना चाहती हूँ और मुझे बच्चों को पढ़ाना है और स्कूल अच्छा चले, मेरे बच्चे अच्छे शिक्षित हों, मेरे विद्यालय के बच्चे अच्छे शिक्षित हों, मेरा विद्यालय अच्छा हो, बस मुझे मैं यही सोचती हूँ, किसके तर्ज पे है ये नहीं सोचती, मेरा विद्यालय मेरा अपना अपने वजह से मैं अपने विद्यालय को आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि हाँ मैं अच्छा करूँ और मुझे रिस्पांस भी मिलता है, गार्जियन भी बढ़ चढ़ के कोऑपरेट करते हैं, बच्चे भी कोऑपरेट करते हैं। आप मानती हैं कि आपने जो ये पहल की है बच्चों के अभिभावकों को लेकर, जो पहल आपने शुरू की है, ये सभी सरकारी जो विद्यालय हैं छोटे बड़े जो भी हैं, क्या उसमें ये होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ गार्जियन अगर गार्जियन इंटरेस्टेड नहीं है अगर अपने बच्चे में, तो मैं जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग करती हूँ उसमें हमेशा अपने अभिभावकों से बोलती हूँ कि जन्म देने से ज़्यादा मायने रखता है अच्छी परवरिश देना, तो अगर हम अपने बच्चे को अच्छी परवरिश नहीं देते, अच्छे संस्कार नहीं देते हैं, तो फिर कोई मायने कोई मतलब नहीं है बच्चे को जन्म देने का, तो फिर अगर गार्जियन हमारे ट्रेंड होंगे, एजुकेटेड होंगे, शिक्षित होंगे, तो हमारे अपने बच्चों को भी बताएंगे, और एक गार्जियन अगर अपने बच्चों को अपने परिवार के बच्चों को शिक्षित करेगा, उन्हें उन पर ध्यान देगा, अच्छा संस्कार देगा, तो हम एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण करेंगे। तो शासन प्रशासन से भी आप चाहेंगे कि इस तरह की पहल जो है सभी विद्यालयों में होनी चाहिए ताकि ये चीजें आगे बढ़े और बच्चों के साथ साथ जो उनके पेरेंट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं शिक्षित हो? बिल्कुल होनी चाहिए, जब हम काम कर रहे हैं तो बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 100% रिजल्ट तभी आएगा, और शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री जी द्वारा, हमारे डीजी सर की जो मंशा है उसमें हम 100% तभी कामयाब हो पाएंगे जब शिक्षक, विद्यालय परिवार और अभिभावक दोनों मिलकर सहयोग करेंगे, इसलिए अभिभावकों का सहयोग बहुत जरूरी है। अब समय हो चुका है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज़ लाइव खबरों की तह तक। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट अपडेट के लिए आइकॉन बेल दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव खबरों की तह तक।